गाइज, इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपने आधार कार्ड से फोन पे अकाउंट कैसे बना सकते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड से फोन पे अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल आपकी अपनी भाषा और सबसे आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है आप अपने फोन पे ऐप में आधार कार्ड के द्वारा अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड कर सकते हैं। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर देना है, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यह है टेक्निकल दिलचस्प YouTube चैनल, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। तो गाइज, आपको इसके लिए सबसे पहले फोन पे ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करना है, और डाउनलोड आप इजीली प्ले स्टोर से फोन पे को कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर फोन पे सर्च करना है और प्ले स्टोर से आप इजीली फोन पे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जब आप फोन पे ऐप को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। मैं यहाँ पर जल्दी से अपना मोबाइल नंबर डाल लिया है, और अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे हैं तो आपके पास एक OTP आएगा, या फिर अगर आपने पहले से ही इसमें लॉग इन कर रखा है, अपना अकाउंट बना रखा है, तो आपने 4 अंक का एक डिजिट कोड भी बनाया होगा जो आपको यहाँ पर डालना होता है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से अपना डिजिट कोड डाल लेता हूँ। अपना डिजिट कोड डालने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन पर टच करेंगे। अब यहाँ पर कुछ समय का प्रोसेसिंग होगा, और आपको यहाँ पर लोकेशन की परमिशन अलाउ करनी है, फिर आपको यहाँ पर फोन कॉल की परमिशन अलाउ करनी है। फिर यहाँ पर कुछ समय की प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर फोन पे ऐप अगर आप पहली बार ओपन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। फर्स्ट टाइम यहाँ पर आप अगर फोन पे ऐप ओपन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। मैं यहाँ पर SBI बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर अगर आपका बैंक दिखाई नहीं देता है तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, या फिर आप नीचे स्क्रॉल करने के बाद इनमें से अपना बैंक ढूंढ सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लिया है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट करने के बाद कुछ समय के लिए यहाँ पर ये एनालाइज करेगा, और यहाँ पर ये देखेगा हमारा SBI बैंक से अकाउंट है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो SBI बैंक है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम फोन पे ऐप में अकाउंट बना रहे हैं और बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपना पिन बनाना होता है। मैं यहाँ पर पहले ही पिन बना चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर मेरे सामने रेस्ट पिन का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन अगर आप पहली बार फोन पे ऐप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके सामने सेट UPI पिन का ऑप्शन आ सकता है। अब मैं यहाँ पर रेस्ट पिन पर टच करता हूँ, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। फर्स्ट टाइम अगर आप फोन पे अकाउंट बना रहे हैं या फिर बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं तो आपके सामने यहाँ पर यह इंटरफेस आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर आधार कार्ड के द्वारा अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है, तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है आधार नंबर लिंकेड विद बैंक नंबर। अब अगर आपके बैंक में आपका फोन नंबर लिंक नहीं है तो ऐसे में यहाँ पर आधार शो नहीं होगा, आपको ATM से वेरीफाई करना होगा। बहुत से मेरे भाइयों को ये प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर आधार कार्ड का जो ऑप्शन है वो दिखाई नहीं देता है। ऐसा इसलिए होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर अपने मोबाइल के होम पेज में आने के बाद ब्राउजर ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने ब्राउजर ओपन किया और मैं यहाँ पर NPCI की जो ओरिजिनल साइट है इस पर आ चुका हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइव बैंक सपोर्टिंग आधार OTP। आप आधार कार्ड के द्वारा फोन पे ऐप में जिन जिन बैंक से अकाउंट बना सकते हैं उन सभी बैंक की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर इन बैंकों में से आपके पास कोई एक बैंक का खाता है तो आप फोन पे ऐप में आधार कार्ड के द्वारा अकाउंट बना सकते हैं, और फोन पे ऐप में आधार कार्ड के द्वारा अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इन बैंकों के अलावा कोई और बैंक है तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आप आधार कार्ड के द्वारा OTP प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस समझा देता हूँ, अगर आपको आधार कार्ड से फोन पे ऐप में अकाउंट बनाना है या फिर बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आधार नंबर लिंकेड विद बैंक पर सिलेक्ट किया है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर टच करना है, और कंटिन्यू पर टच करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ समय के लिए प्रोसेसिंग होगी और आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 6 डिजिट डालने हैं, पूरा आधार कार्ड का नंबर आपको नहीं डालना है, अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 6 डिजिट आपको यहाँ पर डालने हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी से अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 6 डिजिट डाल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने आधार कार्ड के फर्स्ट डिजिट डाल दिए हैं। अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर टच करता हूँ, और अब यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम SMS की परमिशन अलाउ करनी है, तो मैं यहाँ पर SMS की परमिशन अलाउ कर देता हूँ। अब यहाँ पर परमिशन अलाउ करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फोन पे से वेरीफाई कर रहा है, और आपके मोबाइल नंबर पर 2 OTP आएंगे, एक आधार OTP आएगा और एक OTP अलग से आएगा। दोनों OTP यहाँ पर आपको डालने हैं। पहला OTP आपको यहाँ पर आधार OTP डालना है, तो मैंने अपना OTP डाल दिया है और मैं यहाँ पर राइट के निशान पर टच करता हूँ। अब आपको यहाँ पर अपना बैंक OTP डालना है जो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, तो मैं यहाँ पर अपना OTP डाल लेता हूँ। OTP यहाँ पर डालने के बाद आप राइट के निशान पर टच करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना MPIN सेट करना है। MPIN की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आप UPI के द्वारा अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हैं, तो आपको UPI पिन की जरूरत होती है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से अपना UPI पिन डाल लेता हूँ, यानी कि एक नया पिन आपको बनाना है, तो मैं यहाँ पर अपना MPIN बना लेता हूँ। अपना MPIN बनाने के बाद आप यहाँ पर राइट के निशान पर टच करेंगे, फिर आपको यहाँ पर वही
एम पिन कन्फर्म करना है। जो एम पिन आपने अभी भी बनाया है वो एम पिन आपको यहाँ पर कन्फर्म करना है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर अपना एम पिन कन्फर्म करने के बाद राइट के निशान पर टच कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर हमने अपना एम पिन बना लिया है और आप देखते हैं यूपीआई पिन यहाँ पर हमारा बन चुका है। अब आपको यहाँ पर किसी एक अकाउंट पर एक रुपया भेजकर देखना है आपका जो बैंक है वो ठीक तरह से पैसे भेज पा रहा है या नहीं, जो आपका नया फोन पे अकाउंट है वो ठीक तरह से वर्क कर रहा है या नहीं, तो आपको एक रुपया भेजकर चेक करना है। तो मैं यहाँ पर सेंड एक रुपया टू ए फ्रेंड पर टच करता हूँ और यहाँ पर मैं अपना एक फ्रेंड या फिर अपना एक अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये अकाउंट सिलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर अब मैं एक रुपया सिलेक्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर एक रुपया सिलेक्ट कर दिया है और मैं यहाँ पर पे पर टच करता हूँ। पे पर टच करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना यूपीआई पिन डालना है। यूपीआई पिन डालने के बाद आप राइट के निशान पर टच करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रुपया सेंड हो चुका है। और इस तरह आप फोन पे अकाउंट अपने आधार कार्ड से बना सकते हैं और फोन पे ऐप में अपने आधार कार्ड के द्वारा अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।